पावर क्षेत्र में तेजी जरूर है और हम देख पा रहे हैं कि आज टाटा पावर भी अच्छे से मूव कर रहा है, पर पीएफसी आरएसी दोनों ही काउंटर्स डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? क्या अप्रैल सीरीज के लिए पोजिशनली कोई टारगेट्स आप नजर में रख रहे हैं? तो पीएफसी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 100 मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट किया है। साथ ही साथ लास्ट वीक में हमने देखा था कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी थी और कंटिन्यूअसली फॉलो बाइंग आ रहा है और हैमर कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर सस्टेन भी है। तो डेफिनेटली पीएफसी के अंदर हम एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस से भी ले सकते हो आप ट्रेड। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 365 का रखना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न से ऊपर में आप 430 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो 365 का स्टॉप लॉस के साथ कोई भी डिपाई या करंट मार्केट प्राइस पे आप पीएफसी में डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। दूसरा एक आरईसी की अगर हम बात करें तो आरईसी का चार्ट पीएफसी से भी बेटर है। हमने देखा था कि पीएफसी 100 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे गया था, लेकिन आरईसी अब तक उसने 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेच नहीं किया है। साथ ही साथ पीएफसी के ऊपर एक नेगेटिव पैटर्न बना था, लेकिन आरईसी में भी वो पैटर्न बना था, लेकिन अभी तक वहां पे भी ब्रेकआउट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरईसी उससे स्ट्रॉन्ग है, तो आरईसी का प्रेफरेंस पहले देना चाहिए अगर किसी को पावर क्षेत्र की कंपनी में लॉन्ग करना है। टेक्निकली हम आरईसी की हम बात करें तो 420 के स्टॉप लॉस से कोई भी गिरावट आती है लॉन्ग करना चाहिए, और इसमें आप नजरिया थोड़ा लंबा रखें। अगर आप अप्रैल सीरीज के लिए ले रहे हो तो आरईसी में आप 500 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।